अबे उल्लू गधे कुत्ते, कोई दिन मैं तेरी गर्दन मरोड़ के जान ले लूंगा तेरी। कभी गर्म चाय में मेरी उंगली डाल देता है, कभी फ्रिज का ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल देता है। अबे तू मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा कुत्ते? अच्छा कुत्ता बोलता हूं तो भड़कता है? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरे नालायक बेटे तुझको उठाकर लेकर आए और मैं तेरी हिरनी जैसी सूरत देख के धोखा खा गया और तुझे घर में रख लिया। मगर मुंगूस की औलाद, मुझे पता नहीं था कि तू जिसका नमक खाएगा एक दिन उसी को दांत दिखाएगा। बेओ खुसट, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। चल अभी मत इधर, मैं तुझसे बात नहीं करता। गलत मस्का लगाने के लिए गोद में आके बैठ गया। ए बेटा तुझे जमाई आ रही, मेरी बात तो सुन ना, तू थोड़ा सुधर जाना। वैसे अपने नालायक बेटों से परेशान रहता हूँ, तू सुधर जाएगा ना तो मेरे दिल का आधा बोझ उतर जाएगा। सुधर जाएगा ना बेटा, सुधर जाएगा ना। जा जा बेटा जा। अरे देखो नालायक सुसु करके चला गया। अरे छोड़ ना माँ, 10:30 बज गए हैं, ये तेरे नालायक पोते अभी तक बिस्तर में पड़े हुए होंगे, आंख तक नहीं खुली होगी उनकी। तू बाप है या सांप? हर बात पे मेरे पोतों को डसने के लिए फन फैलाए खड़ा रहता है। अरे वो तो कब के कॉलेज चले गए। क्या चले गए? हाँ आज काका थे, उनका वो रिजल्ट है ना इसलिए। पर मैं एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी मिट्टी के बने हुए तेरे पोते? शरारत में 1 नंबर तो पढ़ाई में भी 1 नंबर, हमेशा 90% 95%। साहब गुन्नू और मुन्नू के कॉलेज से फोन आया है। हाँ? हेलो जहाँ बोल रहा हूँ। नहीं मगर अच्छी बात है। अच्छा जी कमाल। ये प्रिंसिपल साहब परसों तो नाश्ते पे आए थे, आज मुझे कॉलेज बुलाया, वो भी पहली बार। अरे बुद्धू इस बार पहले से भी ज्यादा नंबरों से पास हुए होंगे मेरे पोते। हाँ मतलब क्या 95 से भी ज्यादा ले लिए? एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल साहब का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। शुक्रिया। लेकिन सुनिए क्या बात है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आप कैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं? What do you mean? नहीं गुज़िश्ता 2-3 साल से तो कोई और प्रिंसिपल साहब मेरे घर पर आ रहे हैं। लेकिन आप कौन है? जी मेरा नाम हसमुख राय और मैं बुन्नू और मुन्नू का डैडी हूँ। आप मुन्नू और बुन्नू के डैडी? जी आपको कोई शक है? क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस आदमी को अपने डैडी बना के ला रहे हैं वो कोई और आदमी है। और मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको बता सकूं कि मैंने आपके दोनों बेटों को कॉलेज से निकाल दिया है। वो इसलिए कि पिछले 3 सालों से वो लगातार फेल होते चले आ रहे हैं। कैसी बात करते हैं सर, वो तो बहुत हाई रैंक और 90% 95% ऊपर मार लेते हैं और आप कहते हैं। दरअसल आपके बेटों ने आज तक अभी 9% से ऊपर मार्क्स लिए ही नहीं। जी अशोक विजय कम हियर, देखिए इनको देखिए, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट, इस साल दोनों ने 98% मार्क्स लिए। इनके साथ मारपीट करके आपके बेटे इनकी मार्कशीट छीन कर ले गए और मेरे ऑफिस से बेस्ट स्टूडेंट की शील्ड वो भी चुरा कर ले गए। अब समझाओ मार्कशीट और शील्ड वो दोनों कहां से लाते हैं? हमें गले से लगा लीजिए ना डैडी, जानते हैं इस बार हम लोग कितने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं? 98% और ये देखिए मार्कशीट। मेरे लाल सिर्फ एक सवाल गलत हो गया। अरे रे रे वरना 100 में से 100 मिल जाते ना तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता मालूम। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या चीज है, आज देखना आज तो बहुत कुछ टूटने वाला है। अरे लो प्रिंसिपल साहब भी आ गए, लगता मुझे मुबारकबाद देने आया। आइए सर आइए। मुबारक हो राय साहब, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। क्या औलादे पैदा की हैं आपने। अरे ये दोनों तो हीरे हीरे नगीने, आपके घर की आन, हमारे कॉलेज की शान। बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। बोलिए सर। मैं किसी से कहता हूँ कि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? वही कॉलेज जिसमें मुन्नू और पुन्नू पढ़ते हैं। मार्कशीट देखी आपने? मार्कशीट देखी 98%। मिठाई खिलाइए राय साहब इस बात पर। तो सर आपको तो मिठाई खिलाने के लिए मैं सुबह से बेकरार हूँ। चलिए ऊपर चलिए। आप सिर्फ प्रिंसिपल साहब को मिठाई खिलाएंगे? हाँ और हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोगों ने खिलाए। नहीं बेटा ये बुजुर्ग है ना, पहले इनका हक होता है इनका थोड़ा पेट भर दूं, उसके बाद तो तुम दोनों की ही बारी है। जीते रहो शाबाश। आइए ऊपर तशरीफ ले चलिए। राय साहब मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले आप बॉक्सर थे, मगर इस वक्त ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं आप?
इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पहले आप चोर थे है? और पिछले 3 साल से कॉलेज में मेरे बच्चों के बाप बन के जा रहे हैं और पिछले कई साल से यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आज के बाद किसी और के बच्चों का बाप बनना तो एक तरफ, आज के बाद तुम्हें खुद के बच्चों का बाप बनने में भी शर्म आएगी। डैड, आपने हमारे प्रिंसिपल साहब को मारा। अब उनके स्टूडेंट्स का नंबर है। नहीं डैड। अरे क्या कर रहे हो मोरे लाल को? तोरे लाल को नीला कर रहा हूँ। हंसमुख। अरे कहाँ है कहाँ हंसमुख? ये चेहरे से हंसी उसी दिन गायब हो गई थी जब ये हरामखोर पैदा हुए थे। तुमको खबर है ये हरामखोर पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहे। क्या? हाँ, ये जो शील्ड 9 की नहीं है वो चुरा के लाए, और जो मार्कशीट है वो भी इनकी नहीं है। एक बढ़िया स्टूडेंट से छीन के लाए हरामखोर। चोरी के? हाँ, ये देखो इनकी असली मार्कशीट हम दिखाते हैं। ये इसको 9 मिला है, इसको 10 मिला है, तो एक नंबर ज्यादा मिला है। मत पहले उसको सच बोल रहा है वो। अरे अगर आप भौंक रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं।